आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आइए डालते हैं कि नजर दिनभर की खास सुर्खियों पर। पूजा एवं जनस्वास्थ्य विभाग की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अधिकारियों के साथ में कलेक्ट्रेट में ली बैठक और दिए निर्देश। कर्ज माफी को लेकर के और किसान सभा की बैठक का वायदा। यूरिया की किल्लत के कारण अनाज मंडी के बाहर दुकानों पर लगी किसानों की लंबी कतार। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर के कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च। बड़ी संख्या में लोग बैठा। राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह अपने पैतृक गांव गारव देसर पहुंचे, विश्व प्रसिद्ध मुरली मनोहर मंदिर के दर्शन भी किए और संबोधित किया ग्रामीण लोगों को। और यूथ फेस्टिवल के लिए अनेक अधिकारियों ने इस इवेंट को सराहा और अपनी दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं राज्य के कैबिनेट मंत्री ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अधिकारियों के साथ में बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने न केवल बिजली आपूर्ति की बात की, साथ ही साथ बिजली चोरी को लेकर के क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं उन लोगों को निर्देश दिए। भूजल के संरक्षण को लेकर और उसकी सप्लाई को लेकर के भी उन्होंने संभावनाओं पर बातचीत की। कुल मिलाकर के कई मुद्दों पर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने पूरे प्रदेश में बिजली और पानी की समस्या को लेकर किस तरीके से उसे निदान के रास्ते पहुंचाया जा सकता है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, ये तमाम उन्होंने निर्देश दिए। आइए हम आपको लिए चलते हैं कलेक्ट्रेट, जहां पर अधिकारियों के साथ अलग अलग उन्होंने बैठकें ली। बैठकों के साथ उन्होंने राज्य सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार लोगों को राहत पहुंचाने की बात की। आज हमारे रिक्वायरमेंट भी मांगी है कि 2 महीने में जो कनेक्शन करें उसका आपका मेटल क्या शॉर्टेज क्या अवेलेबल क्या आपके पास और शॉर्टेज क्या जीएसएस सर ये नो जीएसएस फेज प्रोग्राम में सेंक्शन है। नो में से इसके एडिशनल एक जीएसएस अलग से हमने और वो तो चालू कर दिया जंजेऊ है और 4 जीएसएस पे काम चालू है जो सर इसी महीने में पूरा एक किसना सर है एक लखा सर किसना सर लखा तैयार है सर 10-15 दिन में आप चाहो तो आपसे भी उद्घाटन के लिए समय मांगेंगे एक डूंगरगढ़ एक जीएसएस। राज्य सरकार की किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के बाद में किसान एक बार फिर से लामबंद हो रहे हैं। कर्ज माफी को लेकर के किसान सभा की बैठक आनंद निकेतन में रखी गई, जिनमें किसानों को क्या मिला और क्या नहीं मिला इस बात को लेकर के उनमें विमर्श किया गया और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। आइए हम आपको लिए चलते हैं आनंद निकेतन, जहाँ पर किसान सभा की यह बैठक सम्पन्न हुई। एक बड़ी लड़ाई पूरे देश स्तर की और लड़ाई की प्रेरणा आंदोलन लड़नो आंदोलन करनो एक अलग चीज है और भी आंदोलन ने जीतनो
और एक दूसरी चीज, बिजली की लड़ाई जीतने के बाद अच्छी है, न सिर्फ अपना साथी बहुत सारा गांव का किसान जगह है, लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा पूरे राजस्थान में बा किसाना ने समझाई यह बात क्यों रे कर्जो सगड़ा बड़ी बात जकी है आ है कर्जो हो रहे हो क्यों है कर्जो ही वास्ते हो रहे है 5,000 रुपया कुंटल का पुपड़ी का। किसानों की क्या मांगे हैं, राज्य सरकार की कर्ज माफी किसानों को कितनी राहत दे पाई है या अब तक, और उन्हें क्या पाना शेष है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की यहाँ किसान सभा के प्रतिनिधियों से और पदाधिकारियों से। पिछले 5 सालों से अखिल भारतीय किसान सभा पूरे देश के पैमाने पे इस मांग को लेकर लड़ रही थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसान का एक बार पूरा कर्जा माफ किया जाए, और इसी आंदोलन को वसुंधरा जी की सरकार के टाइम में 13 सितंबर 2017 को 13 दिन के पड़ाव और बाद में आखिर में चक्का जाम के बाद में वसुंधरा जी से जो बैठ के समझौता हुआ और 8,000 करोड़ रुपये उन्होंने माफ़ करने की, पहले 39,000 करोड़ की माँ घोषणा की, फिर 8,000 करोड़ रुपये आए, फिर 2,000 करोड़ रुपये रिलीज़ की, उस पर फिर किसान सभा ने जब इस मांग को आगे बढ़ाया, इस चुनाव के मौके पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जाकर कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी इन तीनों राज्यों में तो किसान का पूरा कर्जा माफ करे। सरकार बन गई, किसानों ने वोट दिए इस विश्वास पे कि किसान का कर्जा माफ हो, और सरकार बनने के बाद में इसी 19 दिसंबर को राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो घोषणा की है वो पूरे कर्ज माफ़ी की जगह उन्होंने 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी की घोषणा की है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और इसका किसान को कोई लाभ नहीं होना है। और वो इसलिए नहीं होना है कि जिस किसान ने 5 साल पहले जो आदेश में उन्होंने कहा है डिफाल्टर का माफ़ करेंगे, डिफाल्टर वो है जिसके 5 साल 4 साल हो चुके, डिफाल्टर है उसके 10 लाख से ऊपर केसीसी चली गई, 3 लाख रुपए लिए और ब्याज पेनल्टी ब्याज और ये सारा जोड़ के चक्रवृद्धि ब्याज 10 लाख से ऊपर का कर्जा हो गया और 2 लाख रुपए माफ़ किए हैं, ये तभी फायदा उसको होगा जब बचे हुए 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए जो भी किसान का टोटल कर्जा उसमें से 2 लाख रुपए माइनस। यूरिया की किल्लत अभी भी होनी हुई है, यूरिया की दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही है, अनाज मंडी के सामने बनी यूरिया की दुकानों पर आज भी लंबी कतारें देखी गई। हमारे कैमरा प्रतिनिधि ने इन कतारों को अपने कैमरे में कैद किया, आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यूरिया की किल्लत अभी भी बनी है और अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कतारबद्ध होकर के यूरिया के मिलने का। पिछले दिनों 5 किलोग्राम की एक फीनी बनाई गई, यह फीनी अपने आप में एक अजूबा थी, इसे बनाने वाले कारीगर भी काफी मनोयोग के साथ में इसे बना पाए। डॉक्टर बी डी कल्ला के विधायक बनने के बाद फिर मंत्री बनने के बाद वो संकल्प था कि उस फीनी का भोग वे माँ लटियाल को चढ़ाएंगे और वैसा ही हुआ कि इस 5 किलो की फीनी का भोग आज डॉक्टर बी डी कल्ला ने माँ लटियाल को लगाया। आइए हम आपको दिखाते हैं वो दृश्य कि कैसे डॉक्टर बी डी कल्ला ने इस कारीगर को न केवल सराहा बल्कि उसके द्वारा निर्मित इस फीनी का भोग भी माँ लटियाल को चढ़ाया। ठीक है।
विश्वास जल्दी बेटा ध्यान पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के और कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च मंगलवार की शाम को निकाला। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। कर्मचारियों की मांग है कि वे पुरानी स्कीम के तहत ही पेंशन व्यवस्था चाहते हैं, लिहाजा एक दबाव बनाने की कोशिश यहां पर लोगों ने इस कैंडल मार्च में शामिल होकर की। नई सरकार से उन्हें काफी उम्मीदें भी हैं और इसमें शामिल होने वाले लोग अब भी इस बात के पक्षधर हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही रखा जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कैंडल मार्च की कुछ झलक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह अपने पैतृक गांव गारबदेसर पहुंचे। गारबदेसर में विश्व प्रसिद्ध मुरली मनोहर का मंदिर भी है। यहां उन्होंने दर्शन की, आरती भी की, साथ ही साथ वे ग्रामीणों से भी रूबरू हुए। उन्होंने यहां पर ग्रामीणों से रूबरू होते हुए अपने संबोधन में कहा कि देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनके नेतृत्व में आज विश्व समुदाय में भारत की धाक जम रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहां पर कहा राज्यवर्धन सिंह ने। ऐसे हमारे पास करीब 20-25 स्क्वाडनों की कमी है। अभी मैंने तो शायद पढ़ा था करीब 30 स्क्वाडनों की कमी है। वो हवाई जहाज कहाँ से लेकर आएंगे? तो सरकार ने फ्रांस की सरकार से सीधा खरीदा, कोई बिचौलिया नहीं इसके अंदर, सीधा सरकार टू सरकार खरीदा और वहां से तैयार बिल्कुल हवाई जहाज उड़कर भारत आए हथियारों के साथ। और जो हथियार भी लिए हैं वो अति आधुनिक हथियार उसमें लेकर आए हैं, जो पड़ोसी देश को भी नहीं पता कि उसमें हथियार कौन कौन से लगे। राजस्थान की जो पिछली सरकार थी उन्होंने उसमें 3 लाख का बीमा दिया हुआ था 8 साल बामाशाह के अंदर। तो केंद्र सरकार ने योजना शुरू करी, उसमें बोला कि 5 लाख का हम देंगे और पूरे देश। कोई है जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची? अभी जिसने आवेदन दिया हो घर में बिजली नहीं पहुंची अभी? एक गाड़ी, एक तो स्वावलंबन कार्यक्रम शुरू करा कि हम सब समझे पानी की बचत बहुत, तो अच्छा लगता है।
देश हो विदेश हो, वो अपनापन तो रहता है। और फिर यहाँ पर दादा परदादा सब इसी मकान में यहाँ रहे हुए, आप सबके साथ अपना पूरा परिवार से पानी की सुविधा, जैसे जैसे हम आधुनिक युग की तरफ जा रहे हैं, पानी की सुविधा बुनियादी सुविधा है और वो धीरे धीरे आती जा रही है। बीकानेर न्यूज अब तक और राइट द स्टेप ग्रुप 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस यूथ फेस्टिवल के प्रति न केवल शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है बल्कि वे इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इस इवेंट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली ने आज अलग अलग लोगों से बातचीत की, जिनमें खासतौर से नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक श्याम सिंह राजपुरोहित से भी उन्होंने बातचीत की। भारत सरकार का युवा मामले खेल मंत्रालय 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस और उसके बाद 19 तारीख तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन करता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन के आधार पर प्रदर्शनी, जिला युवा सम्मेलन का आयोजन और साथ में जो जिले के युवा मंडल होते हैं अच्छे, उनको जिला युवा क्लब पुरस्कार भी दिया जाता है। साथ ही बड़ी खुशी की बात है कि इस बार यूथ पार्लियामेंट का आयोजन जगह किया जा रहा है और 12 जनवरी से इसकी शुभारंभ हो रही है। पर मुझे जानकर खुशी है कि हमारे जो साथी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली जी, जो कि नेहरू युवा केंद्र के वॉलेंटियर के रूप में कार्य कर चुके हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग भी लिया उन्होंने, वो नेहरू युवा केंद्र और सब लोग मिलजुल कर 12 जनवरी से यूथ पार्लियामेंट और उसके बाद उसमें ज़्यादा ज़्यादा लोगों का सहभागिता हो, उनका रजिस्ट्रेशन करवा कर उनको जिला स्तर के बाद राज्य स्तर और कोशिश ये है कि वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। इसलिए इसमें चाहे वो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय हो, चाहे राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात हो, चाहे और भी जितने विकासात्मक रचनात्मक गतिविधियां हैं या सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, उनके बारे में युवा लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे और वो आवाज़ राष्ट्र के उच्च शिखर पर पहुंचे, ताकि युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पॉलिसी के अनुसार और नए नए प्रोग्राम, नए नए अवसर मिल सकते हैं। ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय युवा मामले खेल मंत्री जी, जो कि हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के अध्यक्ष भी हैं, कर्नल माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 623 जिलों के अंदर नेहरू युवा केंद्र संगठन जिला स्तर पर और उसके बाद राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन करेगा और साथ में लगातार निश्चित रूप से बहुत सारी गतिविधियाँ जो कि युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है, उत्साही है, चाहे वो एडवेंचर के प्रोग्राम हो, चाहे राष्ट्रीय एकता शिविर के हो, या आदिवासी युवाओं के आदान प्रदान कार्यक्रम हो, या नॉर्थ ईस्ट के यूथ एक्सचेंज के प्रोग्राम हो, गृह मंत्रालय और विभिन्न विभागों मंत्रालयों के सहयोग से युवाओं के लिए बहुत सारे नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं के लिए संकल्प सिद्धि का संदेश दिया है, उसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन में हमारे युवा साथी बहुत मेहनत से, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादी जीवन शैली के साथ बहुत अच्छे प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसी मौके पर नेहरू युवा केंद्र की जीएल पवार से भी उन्होंने की विशेष बातचीत। युवा संसद कार्यक्रम जो किया जा रहा है चंद्रशेखर जी, जिसके अंदर बड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को पूरे जिले के जितनी कॉलेज हैं सभी कॉलेजों को समन्वय करके, सबको साथ लेकर के और नेहरू युवा केंद्र को साथ लेकर के ये जो युवा पार्लियामेंट की जा रही है, उसमें युवाओं के जो पार्लियामेंट से जो मुद्दे उठेंगे उस मुद्दों को राज्य सरकार तक से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी और युवाओं के जो जितनी भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो जितने भी जो युवा प्रतिभा हैं उनको अनेक तरह के कार्यक्रम ये युवा संसद के अलावा ये पूरा युवा सप्ताह के रूप में 12 से 19 जनवरी तक कर रहे हैं, इसके लिए हमारे अच्छी बात है और प्रत्येक युवा, प्रत्येक जो है युवा जो यहाँ के हैं वो आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा और इसी की तरफ से जो युवा पार्लियामेंट है वो पूरी तरह से जो है सफल रहेगा और बड़ी मेहनत से जो ये बीकानेर की जनता है उसमें एक कमी रहती है कि जो प्रतिभाओं के जो नई प्रतिभा है वो ग्रामीण स्तर से जो उठ करके बाहर नहीं आती, शहर से आ जाती है, तो इसको नेहरू युवा केंद्र से जोड़ करके ग्रामीण प्रतिभाओं को जो आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है और किया जा रहा है उसके लिए सराहनीय है और हम ऐसी आशा करते हैं कि बीकानेर की जनता को पूरा पूरा लाभ मिलेगा। रामप्रिया जैन कॉलेज के प्रिंसिपल पंकज जैन से भी इस मौके पर चंद्रशेखर श्रीमाली ने ली बातचीत, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दी। युवा संसद का प्रोग्राम हम कर रहे हैं यूथ फेस्टिवल, ये एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, बीकानेर में इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज नहीं हुए, तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा
प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली को कि ये एक बहुत यूनिक टाइप का प्रोग्राम है बीकानेर और उसके सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को शोकेस कर सकते हैं, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। बहुत सारे इवेंट्स हैं इसमें, वाद विवाद से लेके भाषण प्रतियोगिता, ग्रुप डांस, सोलो डांस। इन एक्टिविटीज़ से बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो इम्प्रूवमेंट होता ही है, साथ ही साथ मौका मिलेगा उनको एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी मिस्टर वरुण गांधी से मिलने का। तो मैं सभी बच्चों को बोलूँगा बीकानेर के सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि वो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना और अपने कॉलेजेस का नाम रोशन करें, साथ ही अपने पर्सनैलिटी को भी ग्रूम अप करें। साथ ही डूंगर महाविद्यालय के प्रिंसिपल सतीश कौशिक ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। फेस्टिवल जो 11, 12, 13 तारीख को यहाँ बीकानेर में होने जा रहा है, बहुत जोर शोर से आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं और डूंगर महाविद्यालय भी इसमें प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ है और जो विभिन्न प्रतियोगिताएं इसमें की जाएंगी उसके लिए भी निश्चित रूप से डूंगर महाविद्यालय से टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। और जो मुख्य आकर्षण इस यूथ फेस्टिवल का यूथ पार्लियामेंट के रूप में 13 तारीख को होने जा रहा है, उसमें यहाँ जो 40 प्रतिभागी होंगे वो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लाभान्वित होंगे और बड़ा उत्साह पूरे शहर में इस आयोजन के लिए देखा जा रहा है। और आप सबको और इस आयोजन की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अलावा भारत राज्य स्काउट गाइड की उपाध्यक्ष डॉक्टर बिमला डुंगवाल ने भी यूथ फेस्टिवल के बाबत अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। युवा संसद और जिसमें उन्होंने अपने जो मुख्य वक्ता हैं श्री वरुण गांधी जी को भी बुलाया है, इससे यहाँ के बच्चों को एक नया आयाम मिलेगा और उनकी जो सोच वो चाहते हैं कि जैसे संसद में किस प्रकार से ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की जाती है, इसी प्रकार के बच्चों के अंदर क्या क्या भावनाएं आ रही हैं, वो क्या परिवर्तन चाहते हैं देश के अंदर या फिर समाज में किस प्रकार की जो एक अभी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में वो क्या परिवर्तन चाहते हैं, उनको एक छोटे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक उनको उनको उनकी भावनाओं को उजागर करने के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है। तो इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूँगी कि इस युवा संसद में हम लोगों की तरफ से भी कोई अगर प्रतिभागिता बनती हो तो भाग लो। वहीं कुछ और अन्य लोगों ने भी इस इवेंट को लेकर की अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। नमस्कार, नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पिछले लगभग 50 वर्षों से युवाओं के साथ जुड़ के काम कर रहा है। युवाओं को न केवल देश विकास की गतिविधियों से जोड़ रहा है बल्कि उन्हें व्यक्तिगत विकास के लिए, सामुदायिक विकास के लिए भी उनको साथ जोड़ के लेने के साथ उनको काम करवा रहा है। और ये यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मौका है जब युवा एक साथ मिलके समाज की विभिन्न गतिविधियों के बारे में, समाज की विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और उनका हल उस क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म पे निकाल के संसद को आगे प्रपोज करेंगे। ये जो एक्टिविटी है बहुत ही सराहनीय एक्टिविटी है, बहुत सराहनीय प्रयास है क्योंकि युवा ही ऊर्जावान होते हैं और युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे इसके लिए ऐसी एक्टिविटी होना बहुत आवश्यक है। यूथ पार्लियामेंट में जैसा बताया गया है कि 13 जनवरी को होगी और उससे पहले जो 8 एक्टिविटीज़ हैं ये एक्टिविटीज़ बीकानेर शहर में एक अलग रंग बिखेरेंगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ये जो यूथ पार्लियामेंट हो रहा है और उससे पहले जो विभिन्न 8 प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही है, निश्चित रूप से युवाओं के जो व्यक्तित्व विकास का जो मुद्दा है उसमें बहुत अधिक भागीदारी रहेंगी। हमारे महाविद्यालय से भी इसमें निश्चित रूप से जो युवा हैं वो भाग लेंगे और निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं भी अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और एक खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस युवा महोत्सव से जुड़ने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीकानेर के युवा स्टूडेंट्स के अपील करूँगा कि वो 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल में पार्ट करें और इससे उनकी जानकारी बढ़ेगी और उससे इस संदर्भ में उनको वरुण गांधी जी से मिलने का मौका मिलेगा जो कि अभी हिंदुस्तान में एक युवा नेता है। धन्यवाद। और चलते चलते डालते हैं नज़र आज की खास खास खबरों पर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने अधिकारियों के साथ में कलेक्ट्रेट में ली बैठक और दिए निर्देश। कर्ज माफी को लेकर के और किसान सभा की बैठक का वायद।
यूरिया की किल्लत के कारण अनाजमंडी के बाहर दुकानों पर लगी किसानों की लंबी कतार। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर के कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में लोगों ने छापा। केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह अपने पैतृक गांव ग्यारह देसर पहुंचे, विश्व प्रसिद्ध मुरली मनोहर मंदिर के दर्शन भी किए और संबोधित किया ग्रामीण लोगों को। और यूथ फेस्टिवल के लिए अनेक अधिकारियों ने इस इवेंट को सराहा और अपनी दी शुभकामनाएं। पर से पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। न्यूज अब तक का आप देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप पर भी, और आप अपने प्ले स्टोर में जाकर के इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करिए, टाइप कीजिए बीकानेर अब तक न्यूज, और आपके एंड्रॉइड फोन में यह एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आप सभी लोकल चैनल्स अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इजाजत दीजिए ज्योति रंगा को, नमस्कार।